27 जुलाई 1939 भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इसी दिन सैन्य बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की स्थापना हुई। 27 जुलाई को CRPF दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको CRPF के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 19 मार्च 1950 को CRPF को झंडा यानी प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया। उसके बाद 28 दिसंबर 1950 को CRPF अधिनियम लागू हुआ। इस दौरान इस सैन्य बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का दर्जा प्रदान किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इसी साल 19 मार्च को जोश और औपचारिक उत्साह के साथ अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया था। CRPF के गौरवशाली इतिहास को अब करीब 8 दशक बीत चुके हैं। आज भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कुल 243 बटालियन हैं। इस सैन्य बल में विशेष बटालियनों के अलावा महिला बटालियन, RAF बटालियन, कोबरा बटालियन, सिग्नल बटालियन, विशेष ड्यूटी ग्रुप और PDG समेत कई समूह केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा ये सैन्य बल कई प्रशिक्षण संस्थाएं CWS, AWS, SWS और 100 बिस्तरों वाले 4 कंपोजिट अस्पतालों और 50 बिस्तरों वाले 17 कंपोजिट अस्पतालों के गठन से बना हुआ एक बड़ा संगठन है। देश के हर कोने में सेवाएं देने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के केंद्र भी देश भर में हैं। अपनी सेवा और ईमानदारी से इस सैन्य संगठन बल ने लोगों और राज्य प्रशासनों द्वारा सबसे ज्यादा स्वीकार्य बल का दर्जा भी हासिल किया हुआ है। CRPF के जवानों को दंगों और आपदा से लेकर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी खास हस्ती की सुरक्षा करने में भी इन्हें तैनात किया जाता है। ये अर्धसैन्य बल राज्य पुलिस के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। हिंसक इलाकों में चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी CRPF के जवानों को ही दी जाती है। इसके अलावा युद्ध में दुश्मनों का सामना करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव एवं राहत कार्यों में CRPF के जवान मदद करते हैं। इसके अलावा इन्हें हवाई अड्डों, पुलों, पावर हाउस, दूरदर्शन केंद्रों, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, खास केंद्रों, राष्ट्रीय बैंकों, अन्य सरकारी स्थलों, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के आवासों की सुरक्षा करने के लिए भी तैनात किया जाता है। CRPF का 7.5% हिस्सा उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू और कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के खास लोगों की सुरक्षा में तैनात रहता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर आवास स्थल तक की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी CRPF बल के जवानों की ही होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर हर मुसीबत का डटकर सामना करने वाले देश के इस खास बल के जवानों का ये योगदान वाकई अतुलनीय है। बहरहाल हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।